अगर आपको एक विनर चूज करना पड़े, जैसे आप अपने आप ऑनलाइन हो तो आपको जनता की आवाज सुनाई देती होगी, तो आपके हिसाब से इनमें से कौन है जिसके पास ये है कैपेसिटी कि वो जीत सके बिग बॉस? जीत सके। ये इस बार का सीजन इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना कि कोई भी सेलेब चला जाता है और कोई भी कॉमनर बच जाता है। अगर आप कॉमनर और सेलेब का डिफरेंसिएशन करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि जो भी एलिमिनेशन होते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, लोग सोचते तो हैं कि ये जाएगा लेकिन चला जाता है वो। तो इस बार ही सबसे मुश्किल टफ कॉल है। हो सकता है कोई कॉमनर जीत जाए, हो सकता है कोई सेलिब्रिटी जीत जाए जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि पुनीश जीते, बट पुनीश को छोड़ के एक्सपेक्ट हिम, मैं सोचूंगी आई थिंक विकास या शिल्पा में से कोई जीत सकता है। अभी फिलहाल जो एलिमिनेशंस हुए थे, आपको उसके बारे में क्या कहना है? प्रियंका का एलिमिनेशन भी शॉकिंग था, वो उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट आई थिंक अगर लव से निकले हैं वो, तो लव का जैसे मैं बता रही थी आपको कि लव ने बहुत ग्रो किए बिग बॉस में। अगर उसकी जर्नी देखो तो वो ऐसे पड़ोसी आया था एंड तब नहीं दिखा, घर में आके जब 18-19 लोग थे हम स्टार्टिंग में, तब दिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड आई थिंक वो ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गेम। और अगर आज उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक सेलेब को क्रॉस करके घर में बैठा हुआ है, सो वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। बट प्रियांक के लिए ऑब्वियसली शॉकिंग था कि प्रियांक बाहर आ गए।